हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तानीज आर सैवेज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। All right, friends, welcome to another episode. Today we have Rider OP, subscriber, Shire, and welcome to new member of the panel, Gopal sir. Welcome, welcome. Gopal sir, आपके लिए नाम चुनना पड़ेगा। एक ऐसा नाम please. ER से end होता है। I think we can just call him Gopal sir. नहीं, Gopal sir. ER नहीं है। I think he's Sider. मैं नाम propose कर रहा हूँ Sider। क्योंकि उनके आने के बाद सब लोग Sider रहते हैं। I like it. Nice. I like it. Also a very nice drink that I like to have. Yes. Today we are appreciating how savage Pakistanis are. शुरुआत करते हैं, मुझे बेबीज नहीं चाहिए, डायरेक्ट बड़े बच्चे चाहिए आपको। जेन्युइन कस्टमर सर्विस वाला सवाल है कि सर ये तो नहीं चाहिए, कोई ये भी है, बताइए कैसे कर, आप बताइए। हाय हाय, क्या कर रहे हो? ओ, इसका मतलब क्या कर रहे हो? भाई यार, वॉज इट यू गोपाल सर? एनी वे, मतलब क्या कर रहे हो? मतलब औसाब ये क्या है? अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, असाइनमेंट बना रहा हूँ। अरे सर, व्हाट इज द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ टिट फॉर टैट? दिस इज दैट। हम जैसे फालतू लोग रूट भी जाए तो कोई मनाने नहीं आता। तू मतलब इसमें हंसते हंसते आंसू आ सकते हैं। व्हेन योर डेस्परेशन हैज सेल्फ डेप्रिकेशन, इट बिकम्स क्यूट। सर ये मैसेज इतना ही किसके आगे लिए? इतना ही है ये मुझे। हाँ, उसका वो ब्लॉग्ड है। बात सुनो आयशा। हाँ बोलो यार, वो पूछना था हमारे किड्स कब होंगे। अपनी औकात में वे समझा, मिड्स मिड्स नॉट किड्स। आपकी वॉइस सुननी है, वॉइस नोट सेंड कर दे। काश मैं कर सकता ऐसा, गूंगी हूँ मैं। मजाक ना करो यार, आपकी कसम। तो करके वॉइस सर, वो आप देख रहे हो, उसको उसको जो चाहिए उसे चाहिए, वो पीछे हटेगा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। समटाइम्स यू वांट टू आवाज सुननी, समटाइम्स यू वांट टू आवाज शिया, नो? अरे He just wants him to sing, her to sing Border का song. Hi, गलती से ignore कर दिया तुमने शायद, कोई बात नहीं। Hi again. That's why we're not supposed to share your individual chat. Continuing to that song. Aapas aaunga. To be honest, I'm not surprised he was ignored. His wallpaper is Pikachu. मैं जितने लड़के देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, है ना, कि देखो क्या होता है कि लड़कियों का ना कॉन्फिडेंस, चॉइसेस और सेल्फ एस्टीम, ये ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे से होता रहता है। तो अपनी ट्राई ना रोके, आप लगे रहे, विकास लगाओ चाहे विकास लगाओ। वेरी ट्रू। माय हिस्ट्री ऑफ डेटिंग ये वैसी बात है कि आप अपना कचरा समंदर के किनारे लगते, लो टाइड में अंदर ले जाएगा। सुन भाई, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। नहीं और रुक, मैं आ रहा हूँ, अभी बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, लेने आ जा। ओके आ रहा हूँ। Yeah, this is a WhatsApp chat between two people who definitely don't want to commit suicide, guys. जिस हिसाब से अंग्रेजी की दिक्कत है पाकिस्तान में, सुसाइड की जगह कुछ और कहना चाह रहा हूँ। सुन, मैं सुसाइड चाह रहा हूँ। हबीबी, मेरी बीबी बन जाओ। ओके, कितना एज है तुम्हारा? 21, पढ़ाई करो। What does Habibi mean? Does it mean like beautiful or something? Like lovely person, dear. Oh, sweet. अभी तीन दिन बाद आकाश आने वाले। ये बार बार हबीबी क्यों बुला रही है मुझे? मैं नहीं आइडिया भाई, she's saying, ये द्वेक मेरा ताया कबर सिंह। पर चश्मे अच्छे हैं। Yes, Iron Man वाले लग रहे हैं बिल्कुल। रॉबर्ट डाउनी सीनियर। अस्सलामु अलैकुम, ड्रॉप ऑफ जमशेद रोड आ रहे ना? सोच रहा हूँ। यू नो, लॉट ऑफ उबर चैट, पाकिस्तानी उबर चैट जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है दिल्ली,
उबर एंड ओला ड्राइवर्स बिल्कुल नो नॉनसेंस सर्विस है, आप ओला बुक करते हो, आती है, बैठते आप निकल, वहाँ फोन आता है सर कहाँ जाना, आप उनको उठाते मुझे फलन दे, अरे सर गैस ही नहीं है, वो चला रहा है यार, तुम गड़बड़ी कर रहे हैं इसको, फिर वो पूछते हैं आपसे कि ओला मनी है कि कैश है, तो आप उनको बोल दो कि ओला मनी है, तो फिर आपको फोन उठाते हैं, जाने का सिनेरियो एक ही है, हम नहीं जाने के सारे। अस्सलाम वालेकुम। वाले अस्सलाम, कहाँ जाना है अंकल? इस्लामिक यूनी जंक की अंकल भाई अपने अंकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, अंकल अनलिक्स की। गोपाल सर, आप क्या बता सकते हैं कि पिकाचू क्या है? गोपाल सर ने वो भी नहीं देखा है, गोपाल सर सीधा बेब्लेड पे आ गए थे, बच्चे मर रहे थे रोड रोड पे जा रहे वो तो रोड जब नहीं लोग सर को याद है कि बच्चे रोड पे जाके मर रहे थे। I've arrived. मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ओके आ रहा, गेट 3 पे हो, कहाँ हो? हेलो भाई, आ रहे कि नहीं? भाई मैं रोटी खाने लग गया हूँ, हलीम वाले केवर के पास बैठा हूँ। मुझे लगा पाकिस्तान में इतना घरेलू कॉर्पोरेट सिस्टम, पाकिस्तान में सारे उबर ड्राइवर को वन स्टार मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक है क्योंकि सबको वन स्टार मिल रहा है ना, कोई इंसान नहीं है। उनके ऑफिस से कॉल आता है, जिस दिन 5 स्टार मिल जाता है तो ऑफिस से फोन आता है कि क्या कर दिया, क्या था, इतना बंदूक तो नहीं लगा। वेयर यू वांट टू गो? मीट द चीज गुलबर्ग। मुझे भूख नहीं है, आप जा सकती है। Oh my God. सर कहाँ चले गए? सर कुछ बोले तो, सर कुछ तो बोले, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्यारे लोग हैं यार, यही चैट अगर दिल्ली में होता तो क्या होता? सर कहाँ जाना है? अबे चल गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। कैंसिल कर दे, जब जाना नहीं तो कैंसिल इट प्लीज, आई हैव टू बुक अनदर, राइट? आप तो गले में फिट हो गई हो। होना पड़ता है जब आप ऐसे टकर जाते हैं, बड़ी फिल्म हो आप जैसे। बड़ी फिल्म हो आप, अच्छा अच्छा सेंटेंस है ना, जब कोई ज्यादा ड्रामा करता है तो ये तो पूरा पिक्चर निकला तू यार, ये क्या है, फुल बॉलीवुड। भाई किधर है? पेट्रोल भरवा रहा हूँ, आया बस, भरवा आजा जल्दी, तू होगा भरवा। इसकी गलती ये होगी कि इसने स्पेलिंग बराबर नहीं किया यार। किधर जाना है आपने? मैं नहीं बता रहा, आप कैंसिल कर देंगे, आप खुद ही करो। नेट ऑफ करके सो जाओ अब। हाँ ठीक है, मुझे भरोसा नहीं है, तुम नेट ऑफ करके स्क्रीनशॉट भेजो। ये वो लौंडा है जो ब्लॉक होना चाहिए। गोपाल सर, व्हाई डज इट फील लाइक यू हैव सेड समथिंग लाइक दिस? मैं मेरे मन में ये आ रहा था कि इसमें गलत क्या है। गाइस, आई डोंट थिंक माय ग्रैंडपा इज गोइंग टू मेक इट। व्हाट इज ही मेकिंग? ये पता दादाजी को 2-3 घंटे छोड़ के गया है उसके पास मारने उसको। कैन आई हैव यू फॉर इफ्तार? आई मीन कैन वी हैव इफ्तार? माय बैड, आई स्टॉप गोरिल्ला ऑटो करेक्ट। हाय अस्तगुरुला की स्पेलिंग भी गलत लिखी उसने भाई। ये वर्ड क्या है? ये क्या है अस्तगुरुला? मेरे को अस्तगुरुला मतलब तौबा तौबा, क्या रे गलती हो गई, सॉरी। मतलब वो भी गलत थी तो करे, वो वर्ड भी गलत उस वर्ड। हाय, मुझे आप से एक बात पूछनी, आपके डिंपल में तो पानी खड़ा होता हो जाता होगा ना? और ये बात ये नवंबर से ये बात गले में अटकी पड़ी थी यार, 2 महीने ये रुका था कि ये एक चूतिया सवाल पूछ दूँ एक बार। यू हैव डिंपल ना? नो, आई डोंट नो, व्हेन आई स्माइल इट्स जस्ट माय चीक फैट जस्ट रोल्स इनटू ईच अदर सो दे फॉर्म अ डिंपल। दैट्स व्हाट डिंपल्स आर कॉल्ड। किसी ने ध्यान नहीं दिया पर मेरे है। आपके डिंपल में तो पानी खराब हो जाता है। पानी खराब हो जाता है। अच्छा और सुनाओ क्या हो रहा है? हेलो हेलो, किसके साथ बिजी हो? ओके फाइन, खुश रहो आप उसी के साथ। बाय फॉरएवर। यहाँ पे सर, आई वुड लाइक अगेन लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल गाइस एंड गर्ल्स हु आर फॉलिंग इन लव कि जैसे तुम्हें अगर जाना है जिंदगी में तो जाओ,
अगर बाय फॉर एवर बोलने की नौबत आई तो दूसरी तरफ से थैंक गॉड ही रिप्लाई आने वाला है, बाय फॉर एवर मत बोलना। सामने वाला सोच रहा है कोई जाए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं। यार नारा तू बांधने नहीं देती, वॉशरूम में था। इनके रिलेशनशिप के बीच नारा आ गया। जान जी जान, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। व्हाट? पर आपने मना कर दिया ना जान, मुझे उसमें आप दिखे तो मैंने हाँ कर दिया। दिस इज तुझमें सब दिखता है, सब में तू दिखता है। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? 6 o'clock. गुड मॉर्निंग। अपॉइंटमेंट लेके मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली 6 बजे उठे नहीं, ये वो ऑटो मैसेज या स्केड्यूल कर सकते हो आप मैसेज। कोई बड़ी बात नहीं, ये करके सोया भी है कि 6 बजे तक जागा है और गुड मॉर्निंग बोल के। हाँ वो भी हो सकता है, ये पीटी टीचर है या ये किसी स्कूल में पीटी टीचर है। कहाँ से लेके आते हैं? दिल नहीं रग रहा, निकाला क्यों था? ये बहुत पोएटिक है भाई। रोना आ रहा है मुझे, क्यों बे? पता नहीं, एक तो मुझे हर बात पे रोना आ जाता है, इंडस रिवर कई की। सामने से ट्रोल भी ना कर पाओ, कुछ करके निकल जाता। ये वो है कि यार बैड तक। शुक्र है यूनी खुलने वाली है, अब हम फिर से साथ साथ। कब ओपन हो रही है? फेब में, 20 जनवरी को मेरी एंगेजमेंट है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे चैट्स अपने आप में शॉर्ट फिल्म्स हैं। हेलो हाय जी बताइए। हेलो खुद कर रहा हूँ। तो कैसे लगे? बड़े मजेदार थे यार। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ये तो पता चल रहा है कि किस टाइप की रिस्पांस होती है। जैसे लास्ट वाला था, हेलो खुद ही बोला है, उसने जब हाय बोला तो वो बोले बताइए भैया तुमने हेलो बोला, तुम बताओ तुमने हेलो बोल के क्या बात है जो हेलो किया था। और वो वाला बड़ा बढ़िया था, काफी अच्छे अच्छे थे। वो कौन सा था कि दिल नहीं लग रहा था, उसने कहा निकाला क्यों? बड़ा मजेदार था। और वो वाला भी अच्छा था, वो कौन सा था, कबर सिंह, वो थोड़ा रूड लग रहा था मुझे, पर जो नाम लिखा हुआ था उसको देख के मुझे लगा रहे ये कहां से क्या हो गया। काफी मजे मजेदार थे, और कईयों के तो वो वर्ड जो उन्होंने उर्दू के यूज किए थे तो पता नहीं चला था, पर गुड थिंग थी कि इन्होंने फिर बता दिया वो वालों की कि वो वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे हबीबी, इतना हम लोग सुनते थे हबीबी हबीबी, कैसे मतलब हबीबी अरेबिक वर्ड है। हाँ। तो जो भी है पाकिस्तान में ऐसा तो हो ही रहा है कि वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अरेबिक वर्ड्स यूज करें। अच्छा, तो ये उर्दू वर्ड नहीं है? हबी भी उर्दू वर्ड नहीं है, अरबिक वर्ड है जहाँ तक मुझे पता है, आप बताइए, बट हबी भी अरबिक वर्ड है। और वहाँ पे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अरबिक वर्ड्स को अडॉप्ट करें। अच्छा। और जैसे इंडिया पूरी कोशिश, मतलब हिंदी इसीलिए बनी थी कि संस्कृत को अडॉप्ट किया जाए, तो हम संस्कृत अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग अरबिक से ला के धीरे धीरे अपनी वोकैबलरी चेंज कर रहे हैं और पूरी की पूरी पर्शियन और अरेबिक कर रहे हैं। तो उर्दू में यही फर्क था, मतलब बेसिकली दो ही ब्रांचेस थी, उर्दू अरेबिक वाली है और आप इधर देखेंगे हिंदी संस्कृत वाली। और इसमें वो भी बड़ा मजा था, क्या शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्या क्या कर रहे हो के आर। चलो वो भी चलो छोटा था, उसके बाद उसने आंसर में वो जो दिया पता नहीं कहाँ में यूनिवर्सिटी में उसका सारा कार फर्स्ट फर्स्ट लेटर डाल के, मैंने कहा इतना उसमें ब्रेन भी था कि एक एक लेटर। नहीं, उसको ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट कि छोटे आपने उन चीजों को बनाया जो बहुत आप कॉमनली यूज करते हैं, वो जो सबको समझ ही आए। बार बार आप लंबी बातें लिखेंगे, उस बार बार के लिए छोटी सी चीज बना रखी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेंटेंस को छोटा करके लिख दो, मतलब वो तो पागल बन है कि आपको कैसे पता। तो वो भी था, और दूसरे में जिसमें ये था हाय फिर हेलो और बताइए क्या बात है, उसमें ये होता है कि कई बार हो सकता है कोई पहले पुराना कॉन्टेक्स्ट हो, मान लीजिए उन्होंने उसको कॉल किया, कॉल किया और की मिस्ड कॉल हो गई, अब वो टेक्स्ट कर रहे हैं हाय हाय बोलिए भैया कि आपकी कॉल मिस हो गई थी, अब आपकी तो कुछ में कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, हो सकता है, पर वैसे हमें इतना पार्ट टाइम अगर कॉल किया, अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉल करता है तो मैं बोलूंगा हाय, वो लगा हाँ बोलो भैया, राइट, तो लगेगा बोलो क्या बात है उससे पहले, क्योंकि कॉल हुई है, तो हर एक का कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है कईयों में। तो मगर कुछ में जो था वो अच्छा था कि दिल जो भी है
लग नहीं रहा तो मतलब उसमें के लोगों ने अच्छा मजेदार फन बनाने की कोशिश की है, उनको पता था क्या बोल रहे हैं, मगर तो काफी है, काफी मजेदार है। और एक बात है कि थोड़ी जो बातचीत है, थोड़ी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग काफी अच्छा है, मतलब जो जैसे उर्दू होती है तो उसमें वो मेरे को ठीक लगा कि ऐसा कोई कोई मतलब इस तरीके से रैश नहीं बोल रहा। और जो उबर वाले एक्सपीरियंसेस थे वो तो अमेजिंग थे, मेरे को लगा अच्छा ऐसे भी होता है कि भैया मैं निकला हूँ और फिर कहाँ पे हो जी, वेट कर रहे हैं तो बताए मैं रोटी खाने लग गया हूँ और जैसे वो कह रहे थे जी गैस ही नहीं है, कहाँ जाना है तो बताया तो भैया गैस नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से इन दिल्ली में भी होता था, इंडिया में भी, जब हम लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते थे तो ऑटो वालों को बोलेंगे ना भैया यहाँ पे लेके जाओ, तो उनको अगर वो सूट नहीं करेगा, नहीं कई तो बोल देते थे कि नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, कई बोल देंगे जी इतनी गैस ही नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अब देखते रहे तो समझ आ जाता, पेट्रोल नहीं है तो भरवा ले भाई, पर हम कहते तब समझ आते थे कि मना कर रहे हैं क्योंकि वहां जाना नहीं चाहते, तो फिर नेक्स्ट वाले ऑटो वाले को पूछ लेते। डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आप रात को जाते हैं तो कई ऑटो वालों का होता है कि उनको घर जा रहे हैं, उनको यह है कि मेरे घर के रास्ते में अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना वो यूं चले जाते हैं घर। तो कई बार ऐसा होता है रात को बोलते हैं तो बोलते रहा, मतलब जहां पर आप अगर आप यूजली लेते हैं वहां पे ऑटो, तो नॉर्मली एक समय पे जहां मैं ऑटो लेता था वहां भाई साहब जो थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे, तो जब भी मैं बोलता था उनको पता था ये तो मेरे को ले ही जाएंगे क्योंकि वहीं रहते हैं, मगर अगर किसी और को बोलो वो बोलेगा नहीं भैया मैं वहां नहीं जाता, वहां नहीं, अब तो रस्ते में नहीं है, राइट। वो कई बार ऑटो वाले अगर रेगुलर होते हैं वो वेट भी कर रहे होते हैं कि यार चलो मेरे को अभी ये बंदा आएगा, मुझे पता रोज आता ही है तो मैं वेट कर लेता हूँ लेके जाता हूँ, तो मतलब पैसा बन जाएगा, पैसे बन जाएंगे। कई बार ऐसा देखा था कि थोड़ी ऐसी टाइप की हो गई थी अंडरस्टैंडिंग कि वो बिना कुछ कहे वो रुके होते थे कि भाई मैं इस बच्चे को ले जाऊं। ओके पर मजेदार था, बैक टू द वीडियो, बड़े मजेदार एपिसोड्स दिखाए इन्होंने कि ऐसी भी कन्वर्सेशन है बैक एंड फोर्थ जाती है। तो फ्रेंड्स अब मैं भी बोलती हूँ, एम है एच एन वी एम, समझ गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कोई समझ नहीं पाई, कोई तो है मुझे करने में इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। और दूसरी बात यह है कि ये वही बात है जो भी मतलब बना रखे हैं वो है कॉमन टर्म्स, नहीं और कोई बड़ी बात ही, मैंने गड़बड़ भी कर दी हो पता करने में, चेक करना ठीक बोला भी कि नहीं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।